नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन INDIA की ये तीसरी बैठक होने वाली है और इस तीसरी बैठक से ठीक पहले उन्हें बड़ा झटका शरद पवार ने ही दे दिया है, क्योंकि शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में चर्चा का विषय अब उनका ये बयान बन चुका है और लोग अटकलें लगाने लगे हैं कि क्या शरद पवार भी NDA में शामिल होंगे, क्या शरद पवार भी अपना पाला बदल लेंगे और ये पूरी जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी जो अब है नहीं वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाएगी, ऐसा क्या होने वाला है। जरा सुनिए कि क्या है शरद पवार का वो बयान जिसे सुनकर इस वक्त सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार हमारे नेता है, NCP में टूट नहीं है, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है। सुप्रिया सुले ने भी अलगाव से इनकार किया था। तो आपको बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP चीफ शरद पवार ने कहा है कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एनसीपी में टूट की बात से इनकार किया। शरद पवार ने कहा कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होगा। एनसीपी में कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, इसे फूट नहीं कह सकते, वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने 24 अगस्त को कहा था कि अजीत पवार NCP के विधायक है। सुप्रिया सुले ने कहा था कि अजीत पवार हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है जिन्होंने अलग स्टैंड लिया है और हमने इस बार में विधानसभा स्पीकर से भी शिकायत की। और क्या कुछ कहा था उन्होंने जरा सुनिए। कंप्लीट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी हो आपके मन में तो ऐसा नहीं उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते। हमारे जो पर्सनल रिश्ते है वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते और दोनों अपनी जगह सही है। नाराजगी और विचार, एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। NCP में नाराजगी कभी नहीं। एवरी MLA ऑफ NCP इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर MLA जो NCP का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। इट द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 डेज, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि साफ तौर पर वो कहती नजर आ रही हैं कि हमारे जो भी हमारे नेता है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी तरह परिवार का हिस्सा है। नाराजगी होना और एक मतभेद होना, दोनों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ नाराजगी नहीं, हमारे यहाँ मतभेद नहीं है। अलग अलग रास्ते चुने गए हैं। हमारे जो है, हम प्रोफेशनल, वो कह रहे थे कि अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करेगा। हमारे इमोशनल अटैचमेंट अजीत पवार से है, वो हमेशा रहेंगे। बाहर राजनीति में क्या करते हैं वो उनका जो है स्टैंड है। बता दें शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 2 जुलाई को NCP के 8 विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। NCP में बगावत के बाद शिंदे सरकार में अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, यानी अभी वो NDA का हिस्सा है और उसमें बतौर उप मुख्यमंत्री भी कार्यरत है। इधर शरद पवार विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है। हालांकि NCP में फूट के बाद शरद अजीत के बीच कई बार मुलाकातें हुई जिसके महाराष्ट्र की सत्ता में बड़े उलट फिर की चर्चा जारी है। शरद पवार के बयान के बाद सहयोगी महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से आलोचना जो है शुरू हो गई है। विधानसभा कांग्रेस नेता और विपक्ष नेता विजय वेटिवार ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि स्वार्थ के कारण कई लोग बर्बाद हो गए। विजय वेटिवार ने कहा कि कई लोग स्वार्थी कारणों से खराब हो गए, कुछ लोग ED और CBI की धमकियों के कारण BJP के साथ चले गए। लेकिन अजीत पवार को लेकर शरद पवार का बयान अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शरद पवार एक महान नेता है तो वास्तव में उनका क्या मतलब है। विजय वेटिवार ने पूछा गया कि शरद पवार के बयान का कांग्रेस क्या मतलब निकालेगी। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को कांग्रेस के बजाय पवार के बयान की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि शरद पवार महाविकास अघाड़ी के साथ है तो हम उनकी बातों का मतलब क्यों निकाले। ऐसा सवाल वेटिवार ने उठाया। इस बार उन्होंने BJP की आलोचना करते हुए भी कहा कि
कि बीजेपी ने राजनीति खराब कर दी है, लोगों को धोखा दिया गया है, समय आने पर जनता उन्हें जगह दिखाएगी। विजय वेटिवार ने यह भी कहा कि जो लोग महाविकास अगाड़ी के रूप में हमारे साथ है वे हमारे साथ हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यह बयान बारामती में दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अजीत पवार हमारे नेता है, एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है। किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। बता दें, अजीत पवार वर्तमान में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम है। शरद पवार ने अभी तक अजीत पवार के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से भी अटकलें लग रही है कि हो सकता है कि उनकी भी मंशा आगे चलकर एनडीए में जाने की हो। बता दें, पहले तो लोगों का यह भी कहना था कि अजीत पवार के एनडीए में जाना महज एक इत्तफाक या बगावत नहीं, बल्कि सोची समझी प्लानिंग है जो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सारी चीजें हैं, और जिस तरीके से सुप्रिया सुले भी कह रही है कि अजीत पवार हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे, पार्टी का पुनर्निर्माण करेंगे, जो कुछ हुआ दुखद है, शरद पवार ने सभी के साथ परिवार की तरह व्यवहार किया, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुझे नहीं लगता उनके बयान के बाद बोलना उचित होगा, तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखेंगे तो देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब विभाजन की बात है, उसके बाद से शरद पवार अजीत पवार के बाद 4 बार मुलाकात हो चुकी है। बता दें, पहली जो मुलाकात थी वो 14 जुलाई को हुई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अजीत अपनी चाची प्रतिभा पवार यानी शरद पवार की पत्नी से मिलने गए थे, जिन्होंने एक सर्जरी के बाद 14 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उसके बाद उनकी दूसरी मुलाकात जो है वो 16 जुलाई को ही अजीत पवार जो है विधायकों के साथ शरद पवार से मिले थे, और तब प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया है, हमने उनसे एनसीपी में एकजुटता और मजबूती को लेकर अपनी बात रखी है। उसके बाद तीसरी मुलाकात जो है 17 जुलाई को ही, उन्होंने कहा लगातार दूसरे दिन अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिले, मुंबई के एनसीपी ऑफिस YV चौहान सेंटर पहुंचे, उनके साथ उनके गुट के एनसीपी के विधायक भी थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि कल मानसून सत्र शुरू होने से पहले हमने उनके से आशीर्वाद लिया था, आज सत्र शुरू होने पर हमने दोबारा पवार साहब का आशीर्वाद लिया है। उसके बाद फिर जो आखिरी जो मुलाकात थी, जो आप कह सकते हैं कि चौथी मुलाकात थी, वो 12 अगस्त को थी। तो आखिरी बार शरद अजीत की मुलाकात 12 अगस्त को हुई थी, केरेगांव पार्क इलाके में लेन नंबर 3 स्थित एक बिजनेसमैन के बंगले पर दोनों जो है दोनों ने मुलाकात की थी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, लगातार मुलाकात होती रही, किसी तरीके से कोई कनेक्शन लॉस नहीं हुआ। और अब जिस तरीके से शरद पवार का बयान है सुप्रिया सुले के बयान का समर्थन करते हुए, तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना कि हो सकता है कि एनडीए में शरद पवार भी शामिल हो, और ये विपक्षी गठबंधन INDI के लिए बड़ा झटका है। तीसरी बैठक से पहले ही उनका जो है लग रहा है एक विकेट डाउन हो जाएगा, और इसे लेकर ही तरह तरह की बयानबाजियां अभी से शुरू हो गई है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।